बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं मोहम्मद सफदर डॉगर। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि शो नेम ऑन स्क्रीन यूजिंग करेक्टर पॉइंटर, यानी कि अगर आपने कोई करेक्टर पॉइंटर का वेरिएबल लिया हुआ है, उसके अंदर आपने कोई नेम स्टोर कराया है, तो उस नेम को हम स्क्रीन के ऊपर कैसे शो करेंगे। जैसे व्यूअर्स, ये कि मैं यहाँ पर एक करेक्टर टाइप का एक पॉइंटर लेता हूँ जिसका मैं नाम लेता हूँ जी नेम, और इसको अंदर मैं नेम कोई स्टोर करा देता हूँ, जैसे मैं अपना नाम ही शो करा देता हूँ सकता है। तो अब इस नेम को अगर मैंने व्यूवर्स शो कराना है स्क्रीन के ऊपर, तो उसको कैसे कराऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट द नेम इज, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक फॉर का लूप यूज कर लेता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो है, आई इज लेस दैन 6 है। अब इसके अंदर कितने करेक्टर हैं, 1 है, 2, 3, 4, 5 एंड 6 करेक्टर इसके अंदर। तो पहला करेक्टर 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, दूसरा करेक्टर जो है ना आपका 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3, यानी कि इस तरह आपके इंडेक्स पे, यानी कि ये करेक्टर इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। अब इसको अगर मैंने शो कराना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक करेक्टर टाइप का और यानी कि मैं वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं शो नेम, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शो नेम इज इक्वल टू, इसको नेम की वैल्यू जो है ना वो स्टोर कराता हूँ, और यहाँ पे मैं सी आउट शो नेम। तो व्यूअर्स, ये आपका जो लूप है ना, उसके बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस करते हैं, तो व्यूअर्स ये आपका 6 टाइम लूप चलेगा, और 6 टाइम आपका जो है ना वो 6 करेक्टर जो है ना शो हो जाएंगे। बट ये हर दफ़ा आपका पहला करेक्टर एस ही जो है ना वो शो कराएगा। देखिए, इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखिए 6 टाइम जो है ना आपको एस करेक्टर जो है ना वो शो कर देगा। क्यों? आपका पॉइंटर जो है ना वो अगले यानी कि समझ लें कि करेक्टर पर जा ही नहीं रहा, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, अगर मैं इस यहाँ पर इसका एड्रेस शो कराना चाहता हूँ, तो व्यूअर्स देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको तो फिर यहाँ पे व्यूअर्स देखें, इस सब का है ना समझने के सेम जो है ना वो एड्रेस शो हो रहा है। देखिए, सबका सेम ही एड्रेस जो है ना वो शो हो रहा है, तो इसीलिए वो पहले करेक्टर को ही यानी कि समझने वो शो कर देगा। तो अगर मैं व्यूअर्स यहाँ पे एंड पर्सन साइन नेम को, सॉरी एंड पर्सन साइन नेम को मैं प्लस प्लस कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, इसके एड्रेस के अंदर सॉरी एक एक करेक्टर को जो है ना वो क्या कर देगा, वो ऐड करता जाएगा। ये तो इसको ऐड करता जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि वो जैसे जैसे व्यूअर्स हम क्या करेंगे, अब जैसे हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट लगाते जाएंगे तो वो अगले करेक्टर पे चला जाएगा, और जब अगले करेक्टर पे जाएगा तो उस अगले करेक्टर को जो है ना वो एस नेम के अंदर स्टोर करा देगा। अब देखें व्यूअर्स, जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो वो क्या करेगा, एस को इसके अंदर स्टोर करा देगा और एस यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, पॉइंटर में एक का इंक्रीमेंट कर देगा, और आपका पॉइंटर जो है ना वो 1 तक पहुँच जाएगा, और जब उसको 1 सॉरी ए तक पहुँच जाएगा, और ए की वैल्यू इसमें स्टोर करा देगा, और फिर यहाँ पर ए जो है ना वो भी शो हो जाएगा। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो ये देखें आपका सारे करेक्टर जो है ना वो शो हो रहे हैं। तो अगर आप इस एंड लाइन को ख़त्म कर देंगे तो सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको शिट सी आउट यहाँ पे एस नेम आ जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, आपका नेम जो है ना वो पूरा शो हो गया। यहाँ पे व्यूअर्स अगर मैं कोई और नाम यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नाम देता हूँ जी मुबशर,
तो अब इसके कितने ग्रेटर हैं, 1 है 2 है 3 4 5 6 7 8, तो ये लोग जो है ना 8 टाइम जो है ना वो चलना चाहिए। तो ये देखें पूरे नाम को वो शो कर देगा। तो ये तो था व्यूअर्स तरीकाकार कि अगर आपने पॉइंटर टाइप का कोई ऐसा करेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर पॉइंटर के अंदर वो आपने नेम स्टोर कराया, तो उस नेम को आपने अगर स्क्रीन के ऊपर शो कराना है तो उसको आप कैसे शो कराएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।